हेलो दोस्तों, डीजे बेना चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो डीएमएक्स से पार लाइट कैसे रनिंग करते हैं उसके बारे में बताने जा रहे हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर करें, नए लोग चैनल से जुड़े। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों को डीएमएक्स के बारे थोड़ा बहुत जानकारी दे देते हैं कि डीएमएक्स में फ़िलहाल कौन सा बटन काम आने वाली है। जैसे कि वीडियो में देख सकते हैं, लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं, ऊपर में सीन एडिट ये वाले बटन काम आएंगे, उसके नीचे चेस एडिट ये वाले बटन काम आएंगे, और नीचे देख सकते हैं 1 2 3 4 नंबर तक, क्योंकि 4 पार लाइट अभी चेक करेंगे इसीलिए 4 नंबर तक ले ये बटन नीचे वाले काम करेंगे, यूज करेंगे। और ऊपर में देख सकते हैं 5 फेडर यूज करेंगे। साइड अप और डाउन का बटन है दोस्तों, उसके बाद और 2 फेडर है। इसका यूज दोस्तों जब पार लाइट रनिंग करेंगे तब ये दोनों फेडर ऊपर करके इसका यूज किया जाता है चेस रनिंग में दोस्तों। फिलहाल दोस्तों इतना सारा बटन अभी यूज होगा 4 पीस पार लाइट रनिंग के लिए। दोस्तों देख सकते हैं दोस्तों, ये जिया कंपनी का डीएमएक्स है, मॉडल नंबर J191 है। इसका बैक पैनल में ये पावर सॉकेट और एक्सएलआर का आउटपुट दिया हुआ है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये एक्सएलआर केबल है मेल फीमेल, इसी से कनेक्ट करेंगे डीएमएक्स से पार लाइट। और ये ग्रीन वाला एक्सएलआर केबल जो कि बड़ा है, ये 4 पीस शोभा कंपनी का पार लाइट लिए हैं दोस्तों। देख सकते हैं इसका ब्रांड शोभा कंपनी का दिया हुआ है दोस्तों लोगों। ये डीएमएक्स है दोस्तों, इस आउट में एक्सएलआर केबल डालेंगे दोस्तों। यहाँ से डीएमएक्स से आउट ले लेते हैं दोस्तों। ये एक्सएलआर केबल लगा चुके हैं डीएमएक्स में, और एक सिरा दोस्तों पार लाइट में लगाएंगे। देख सकते हैं दोस्तों, पार लाइट में लगाने के लिए दोस्तों एक्सएलआर का 2 सॉकेट दिया हुआ है, एक इनपुट ये आउटपुट। तो दोस्तों इनपुट में दोस्तों डीएमएक्स जो लाए हैं केबल ये वाला लगाएंगे दोस्तों, पार लाइट के इनपुट में लगा रहेंगे। ये लगा चुके हैं दोस्तों पार लाइट के इनपुट में दोस्तों। देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का एक्सएलआर केबल जो इनपुट में लगाए हैं पार लाइट का, जो आया हुआ है दोस्तों डीएमएक्स से, डीएमएक्स के आउटपुट से दोस्तों लाए हैं। देख सकते हैं ये डीएमएक्स के आउटपुट में लगाए हैं एक्सएलआर केबल का एक सिरा। दोस्तों बाकी एक्सएलआर केबल भी लगा लेते हैं पार लाइट के सीरीज में। ये पार लाइट के आउटपुट में एक सिरा लगाते हैं दोस्तों, एक नंबर के पार लाइट में, और दूसरा सिरा दोस्तों देख सकते हैं रेड केबल में, जो कि दूसरा सिरा 2 नंबर के पार लाइट के इनपुट में लगा रहे हैं दोस्तों। ये 2 नंबर के पार लाइट के इनपुट में लगा दिए दोस्तों, और ये पीला कलर का एक्सएलआर केबल ले लिए दोस्तों, ये 2 नंबर के पार लाइट के आउटपुट से दोस्तों लगा दिए हैं। और इसका एक सिरा 3 नंबर के पार लाइट के इनपुट में लगाएंगे दोस्तों। देख सकते हैं ये पार लाइट के इनपुट में लगा दिए दोस्तों, 3 नंबर के पार लाइट में। और एक ठो एक्सएलआर केबल ले लिए दोस्तों, ये 3 नंबर के पार लाइट के आउटपुट में लगा दिए एक सिरा, और दूसरा सिरा 4 नंबर के पार लाइट के इनपुट में लगा रहे हैं दोस्तों। ये लगा चुके दोस्तों 4 नंबर के पार लाइट के इनपुट। दोस्तों सिग्नल के लिए हो गया, आप पार लाइट को पावर देने के लिए दोस्तों इस तरह का केबल हम बना के रखें। अब इसको पावर के लिए ये 4 नंबर के पार लाइट को जोड़ दिए, अब 3 नंबर के पार लाइट के पावर केबल को भी जोड़ दिए, अब 2 नंबर के पार लाइट के पावर केबल को जोड़ेंगे दोस्तों। ये 2 नंबर के पार लाइट के पावर केबल को भी लगा दिए, अब 1 नंबर के पार लाइट को भी दोस्तों पावर केबल को जोड़ दिए। अब
इन सभी चारों पार लाइट को दोस्तों चेक कर लेते हैं पावर देके। दोस्तों चारों पार लाइट को पावर देके चेक कर लेते हैं। ये पावर दे दिए दोस्तों, ये देख सकते हैं दोस्तों चारों पार लाइट काम कर रहा है, चारों पार लाइट ठीक है। दोस्तों DMX से पार लाइट को चलाने के लिए पार लाइट के मदरबोर्ड में दोस्तों कुछ नंबर सेट करना पड़ता है, तब जाके पार लाइट DMX से चलता है। जैसे कि पहले नंबर के पार लाइट को दोस्तों मदरबोर्ड में D001 सेट करेंगे और 16 नंबर का गैप देके दूसरे नंबर के पार लाइट को दोस्तों D017 सेव करेंगे और तीसरे नंबर के पार लाइट को दोस्तों 16 नंबर का गैप देके D033 सेव करेंगे और चौथे नंबर के पार लाइट को दोस्तों D049 सेव करेंगे। इस तरह का और भी पार लाइट अगर चलाना रहेगा तो 16 नंबर का गैप देके दोस्तों सेव करते जाएंगे। दोस्तों DMX से पार लाइट को चलाने के लिए इसमें कुछ कोड पार लाइट में सेव करना पड़ता है, जो कि अभी हम फोटो में आपको दिखा चुके हैं। इसमें दोस्तों सेव कर लेते हैं, ये एक नंबर का पार लाइट है दोस्तों, इसमें D001 सेव करना है। ये देख सकते हैं दोस्तों सेट कर चुके हैं D001, ये एक नंबर का पार लाइट है दोस्तों। ये दूसरा नंबर के पार लाइट में दोस्तों D017 सेव करना है दोस्तों, सेट करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। जो कि पार लाइट के पीछे तरफ चार गो बटन होता है, उसी के मदद से दोस्तों सेव करना पड़ता है। दोस्तों अगर याद नहीं है इसीलिए हम पेपर में लिख के रखे हैं कि कितना सेव करना है दो नंबर के पार लाइट में। दोस्तों इसमें D017 सेव करना है दोस्तों, देख सकते हैं दो नंबर के पार लाइट में D017 सेट कर चुके हैं। अब तीसरे नंबर के पार लाइट में सेव करेंगे दोस्तों D033। दोस्तों सेट कर रहे हैं D033, आपको सेट करके दिखाते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये तीसरे नंबर का पार लाइट है जिसमें D033 सेट कर चुके हैं, ठीक से सेट करते हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं दोस्तों ये तीसरे नंबर के पार लाइट में D033 सेट कर चुके हैं। अब चौथे नंबर के पार लाइट में दोस्तों D049 सेव करेंगे, आपको सेट करके दिखाते हैं। जो कि पार लाइट के चार ठो बटन रहता है, उसी के मदद से दोस्तों सेट करेंगे। देख सकते हैं दोस्तों चौथे नंबर के पार लाइट में D049 सेव कर चुके हैं। इसी तरह दोस्तों अगर आपको और भी पार लाइट लगाना है तो 16 नंबर का गैप देके आप सेट कर सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों चारों पार लाइट में ये कोड जो दिखाए थे फोटो में वो सेट कर चुके हैं। अब दोस्तों DMX में सेटिंग करेंगे। DMX में दोस्तों पहले सीन क्रिएट करेंगे, तो सीन जैसे पार लाइट चार पीस है तो चार ठो सीन क्रिएट करेंगे। उसके बाद दोस्तों चेस एडिट के बटन से चेस क्रिएट करेंगे। उसके बाद दोस्तों चेस क्रिएट हो जाने के बाद चेस वाला बटन दबा के वो दो फेडर है इधर राइट साइड में जो कि पार लाइट को रनिंग करता है, उसको दोस्तों चलाएंगे तो मैं पूरा चार पीस पार लाइट रनिंग होना शुरू हो जाएगा दोस्तों। चलिए वीडियो में आपको बताते हैं। दोस्तों सीन क्रिएट करने के लिए सीन एडिट का बटन कुछ सेकंड के लिए दबा कर रखेंगे।
जैसे बत्ती ब्लिंक करने लगेगा उसको बटन को छोड़ देंगे। देख सकते हैं दोस्तों सीन का बत्ती ब्लिंक करना शुरू हो चुका है। देख सकते हैं ये बत्ती ब्लिंक कर रहा है, मतलब सही है। अब एक नंबर का बटन दबाएंगे और डीमर और रेड का फेडर ऊपर करेंगे। दोस्तों देख सकते हैं एक नंबर का पार लाइट जलने लगा है। ये फेडर रेड है दोस्तों, ये ग्रीन, ये ब्लू का फेडर है दोस्तों। ये रेड का अभी जला दिए हैं दोस्तों एक नंबर के बटन के साथ, और ये सेव का बटन दोस्तों दबा दिए हैं। ये एक नंबर के पार लाइट में दोस्तों सेव हो चुका है। अब एक का बंद कर दिए और दो का जला दिए हैं। ये देख सकते हो दोस्तों अब पेज चेंज कर लिए और सेव का बटन दबा दिए दोस्तों। ये दो नंबर का पार लाइट भी सेव हो चुका है। अब दो का ऑफ करके तीन का दोस्तों दबाए हैं, ये रेड जला दिए, और पेज फिर चेंज करने के बाद तीन का भी दोस्तों सेव कर चुके हैं। ये तीन पार लाइट सेव हो चुका है। ये चौथा नंबर का बटन दबा दिए, ये तीसरा ऑफ कर दिए दोस्तों। ये देख सकते हैं चौथा पार लाइट भी जलने लगा है और इसका पेज चेंज कर दिए, और ये चौथा पार लाइट को भी दोस्तों सेव कर दिए। दोस्तों चार सीन क्रिएट हो चुका है, अब सीन को सेव कर लेते हैं। ये बटन कुछ देर ले दबा के रखे दोस्तों, और सीन सेव हो चुका है दोस्तों। दोस्तों चार पीस पार लाइट के लिए चार ठो सीन क्रिएट कर चुके हैं दोस्तों। अब पार लाइट को रनिंग करने के लिए चेस भी क्रिएट करना पड़ता है दोस्तों, तो चलिए चेस क्रिएट कर लेते हैं। तो चेस वाला बटन को दोस्तों कुछ सेकंड दबा के रखते हैं जब तक बत्ती ब्लिंक नहीं करेगा। बत्ती ब्लिंक करने के बाद दोस्तों छोड़ चुके हैं। अब चेस क्रिएट करने के लिए दोस्तों सबसे पहले चलिए दोस्तों तो सबसे पहले एक नंबर का बटन दबाते हैं। ये एक नंबर का बटन दबा दिए हैं, और इधर आप राइट साइड में दोस्तों जो चार बटन है पेज अप और डाउन करने का, दोस्तों उसे अप और डाउन करके सेव वाले बटन में दबाते हैं दोस्तों। ये एक नंबर का दोस्तों पार लाइट जला है और इसको आप सेव कर लिए, और अप और डाउन बटन से दोस्तों दूसरा पार लाइट को जलाए दोस्तों साइड करके, और उसको भी दोस्तों सेव कर लिए। ये दो नंबर का भी दोस्तों सेव हो चुका है, और साइड वाला बटन से फिर दबा के ये तीसरे नंबर का पार लाइट को दोस्तों जलाए हैं और इसको सेव बटन से दोस्तों सेव कर लिए। इसी तरह दोस्तों आप अभी तीसरे नंबर का पार लाइट को दोस्तों सेव कर लिए हैं। अब ये चौथे नंबर का पार लाइट को जलाने के लिए बटन दबा दिए हैं और इसको भी दोस्तों सेव कर लिए, ये सेव बटले बटन से। और उसके बाद दोस्तों चेस का बटन को दबा के रखें, और चेस भी दोस्तों सेव कर चुके हैं दोस्तों। दोस्तों चेस बटन दबा के रखें कुछ सेकंड के लिए, और चेस भी सेव कर चुके हैं, जो कि बटन अब दबा के रखें इसीलिए बत्ती अब कंटिन्यू जल रहा है। तो अब पार लाइट को रनिंग करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, एक नंबर बटन को दबाते हैं और ये फेडर को दोनों ऊपर करते हैं दोस्तों। दोस्तों पार लाइट रनिंग करना शुरू हो चुका है दोस्तों। दोस्तों वीडियो छोटा बनाने के लिए सिर्फ चार ठो ही सीन क्रिएट किए हैं। आप दोस्तों अपना दिमाग लगा के बहुत सारा सीन क्रिएट कर सकते हैं, और उसी को मिला के चेस भी दोस्तों बहुत डिजाइन का अपने दिमाग से सोच के कर सकते हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों। नए लोग चैनल से जुड़े, धन्यवाद।